करनाल में विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में इंडियन डेंटल एसोसिएशन की ओर से विभिन्न प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए। इसी कड़ी में लोगों को कोविड-19 महामारी से बचाव के बारे में जागरूक करने के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें बताया गया कि कोरोना से अपने आप को कैसे बचाया जा सकता है। वहीं डॉक्टर अनूप जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हवा में जो प्रदूषण और इन्फेक्शन है उसको रोकने के लिए भी मास्क जरूरी हो जाता है। उन्होंने कहा, जैन साध्वी ने पहले ही अपने वक्तव्य में कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब मास्क सभी के लिए जरूरी हो जाएगा, क्योंकि हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ती जा रही है जो सांसों के जरिए शरीर में इन्फेक्शन करती है, जिससे आदमी कई बीमारियों से घिर जाता है। उन्होंने कहा कि महामारी के इस दौर में सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन का अवश्य पालन करें, क्योंकि जब देश स्वस्थ होगा तभी हम देश का विकास कर सकते हैं। गौरतलब है कि कोरोना महामारी दोबारा से देश में पैर पसार रही है, इसको रोकने के लिए सावधानी ही एकमात्र उपाय है। उन्होंने लोगों से वैक्सीन की डोज लेने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि देश में वैक्सीन की डोज आ चुकी है और स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए वैक्सीन लगवाकर खुद को और अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित बनाएं। बता दें कि देश भर में कोरोना महामारी के चलते दोबारा से लॉकडाउन लगने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि पहले से भी तेज गति से नया वायरस लोगों में फैल रहा है, जिसके चलते सरकार भी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाकर एवं नई गाइडलाइन जारी कर इस महामारी से बचाव के लिए लोगों को जागरूक कर रही है कि इस कोरोना वायरस के महामारी से बचने का एक ही उपाय है। सबसे पहले जहां पर भी जाएं हम मास्क पहनकर जाएं। ये कल्चर अभी नहीं, बहुत पुराने समय से दूसरे देशों में अपनाया जाता है, और हमारे खासकर जैनिज्म में तो आप जैन साधुओं को देखेंगे, जैन मुनियों को देखेंगे, वो हमेशा मुंह पर पट्टी लगाकर चलते हैं। मुझे एक घटना याद है, 25 साल पहले जब यहाँ पर जैन साध्वी डॉक्टर अर्चना श्री महाराज जी का चतुर्मास हुआ था, तो उन्होंने कहा था कि ऐसा भयंकर समय आने वाला है कि ये जो मुंह पट्टी है या जो मास्क है सभी पहने घूमेंगे, और आज वही जो उनका वक्तव्य है वो सत्य महसूस हो रहा है। भगवान महावीर स्वामी ने भी आज से 2600-2700 साल पहले बताया था कि जो हवा में जरासीम है, हवा में भी जान है, हमें उनसे भी बचकर रहना चाहिए, जो उनके भी सूक्ष्म जो वायरसेज हैं, बैक्टीरिया हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए प्रदूषण को रोकने के लिए, अपने आप को बाहरी इन्फेक्शन से रोकने के लिए मास्क जरूरी है। साथ ही साथ 2 गज की दूरी, कहते हैं कि जो भी इन्फेक्शन होता है यदि हम छींकते हैं, खांसते हैं, तो ड्रॉपलेट्स बनते हैं और दूसरे आदमी को प्रभावित करते हैं। यदि हम थोड़ी सी दूर हैं, मतलब 2 गज की दूरी, मतलब 6-7 मीटर की दूरी पर हैं, 2 गज की दूरी पर हैं, तो हमें वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हमें इफेक्ट नहीं करते, और यदि आपने मास्क पहना हुआ है तो वो ड्रॉपलेट्स आपको आपसे रिपेल होकर चले जाते हैं। और तीसरी बात जो सबसे ज़रूरी है, बार बार समय समय पर हाथ धोना, साबुन से हाथ धोना, सैनिटाइजर यूज़ करना, किसी भी अनचाही वस्तु को ना छूना। सबसे एक और जरूरी मैं बात करूँगा, वो चाहे धार्मिक है, चाहे राजनीतिक है, चाहे सामाजिक है, हमें आज के युग में, आज के इस वर्तमान समय में ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होना चाहिए, चाहे हमारी धार्मिक भावनाएं हैं उसमें, चाहे राजनीतिक भावना है, चाहे कोई गवर्नमेंट के साथ एजुकेशन है, हमें कुछ समय के लिए ये सारी गतिविधियाँ स्थगित कर देनी चाहिए, क्योंकि यदि जिंदगी रहेगी तो हम आगे की अपनी समस्याओं को दूर कर सकेंगे। यदि जिंदगी ही ना रही, जिस तरह से मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब भी हमारा परिजन कोई भी कोविड के वजह से चला जाता है, तो जिस घर में कोविड आ गया या जिस घर में कोविड की किसी भी तरह से एक क्षति होगी कोविड की वजह से, उस घर से जाकर पूछो, उस माँ से जाकर पूछो, उस बेटे से जाकर पूछो, उस बाप से जाकर पूछो कि वो कितने सदमे में हैं। अपने ही इस इंसान को वो अपना पूरा जो विधिवत है संस्कार भी नहीं कर पाते, उसका कुछ भी नहीं कर पाते, और ऐसी भी क्या विडंबना होगी कि हम अपने आप को आज अपने कुछ बातों का ध्यान रखते हुए इस महामारी को रोक सकें। मैं विश्व स्वास्थ्य दिवस पर अपनी ओर से, करनाल वासियों की ओर से, और आप सभी को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि 2 गज की दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें, यदि आप कार में हैं, स्कूटर में हैं, मार्केट में हैं, जहाँ पर भी पॉसिबल है मास्क लगा कर जाएं। आप अपने आप को भी बचाव रखेंगे और दूसरों का भी बचाव रखेंगे। बार बार समय समय पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइजेशन का यूज़ करें, और अफवाहों पर
अफवाहों पर विश्वास मत करें। ये मत सोचें कि उसको नहीं हो रहा, वहाँ रैली में इतने लोग बैठे उनको नहीं हो रहा, उसको नहीं हो रहा, शादियों में नहीं हो रहा। ये कोरोना की महामारी है, ये ना बड़ा देखती है, ना छोटा देखती है, ना पॉलिटिशियन देखती है, ना ही धार्मिक गुरु देखती है। ये सभी को, किसी को भी लपेट में ले सकती है। और अंत में एक ही संदेश, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे, तभी हमारा देश तरक्की करेगा, तभी विश्व तरक्की करेगा। ओम। ब्रेकिंग न्यूज, रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।